ना इश्क में न प्यार में, न इश्क में न प्यार में जो असली मजा है पाकिस्तान की हार में। पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है, भारत को धमकी दे रहा है और सब्जेक्ट है क्रिकेट। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ना आए तो हम भी नहीं आएंगे अब से। तुम तो पहले भी ऐसा बोल चुके हो पाकिस्तान। एशिया कप में हम नहीं आए थे, तब भी बॉयकॉट करने वाले थे आप, लेकिन एशिया कप हुआ, हम वाकई नहीं आए। लेकिन तुम्हारी बात क्या करें, वनडे वर्ल्ड कप के लिए चार पैदों पे कूदते हुए आए थे आप तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे पाकिस्तान। लेकिन तुम संघर्ष करो पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर तुम हमारे बच्चे और हम तुम्हारे बाप हैं। हमारे रिलेशन जैसे हैं उसको देखते हुए दुनिया जानती। और फिर श्रीलंकन टीम पर जिस तरह से अटैक हुआ था, पाकिस्तान जाने के लिए हर क्रिकेट टीम जो है वो मना करने लगी थी, लेकिन पाकिस्तान में फिर क्रिकेट शुरू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें बुलाने के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इन्होंने 1996 के बाद कोई भी बड़ी इवेंट को होस्ट नहीं किया है और तब से सूखा पड़ा है। भारत की टीम अगर जाएगी तो चार चांद लग जाएंगे इनके देश में है? हमारे देश में जो चल रहा है टेररिज्म, और तुम्हारे ही साथ हम क्रिकेट भी खेलें, ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय टीम 2008 के बाद नहीं गई है पाकिस्तान और ना जाएगी। पाकिस्तानी टीम आती रही और आती रहेगी। और BCCI ने ICC से वेन्यू चेंज की कोशिश ये तो की है, और पाकिस्तान कह रहा है कि वेन्यू ना बदले। कारण साफ है कि टीम इंडिया अगर पाकिस्तान आई तो पैसा, ऑडियंस, शाक, सब कुछ बढ़ेगा। एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा इनका। लाहौर में भारतीय क्रिकेट टीम, आफरीदी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना प्यार मिलेगा कि भारत को भूल जाएंगे विराट कोहली। पाकिस्तान में पटाखों की दुकान के बाहर एक्चुअली बोर्ड लग चुके हैं कि बेचा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि पटाखे तो ले गए लोग, लेकिन हम ही नहीं आ रहे तो पटाखों का क्या कीजिएगा अब आप। हरभजन सिंह ने क्या खूब कहा है, कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ये जो टूर्नामेंट होगी, रिलेशन अच्छे नहीं है हमारे। हम तो कह ही रहे हैं कि हम नहीं आ रहे तो दुबई या श्रीलंका में करवा लीजिए हमारे साथ मैचेस, जहां हम तुम्हारी हालत वहां पे भी कर देंगे। दुबई श्रीलंका में जाके बढ़ा दो तिरंगे की शान को, छोड़ना मत टीम इंडिया, देना पाकिस्तान को। लेकिन अगर हमने विड्रॉ कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी से तो कौन से ग्रुप में कौन खेलेगा, यानी कि हम बाहर तो कौन अंदर। ICC के रूल्स क्या है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 8 टीमें खेल सकती है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड, यानी कि ग्रुप ए और बी। होस्ट वैसे भी है पाकिस्तान, तो ऐसे ही एंट्री मिल गई। लेकिन बाकी की टॉप टीम्स अगर देख लें, वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था, तो हम तो वैसे भी प्रबल दावेदार हैं ही। लेकिन ICC को मना करने का हक भी हम रखते हैं कि हमें नहीं खेलना। रैंकिंग के हिसाब से बाद वाली टीम्स में से जो मौका मिलने वाला है देख लेते हैं। ग्रुप ए में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, और ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर हम हाइब्रिड मॉडल को लेकर टेटुआ दबा के रखेंगे तो श्रीलंका या दुबई में मैचेस करवानी ही पड़ेंगी। क्या लगता है आपको, जो भी लगता है जरूर से कमेंट कीजिएगा। क्या हम विड्रॉ कर लेंगे या फिर हम दूसरी जगह पर हाइब्रिड मॉडल में ये चैंपियंस ट्रॉफी करवा के कप जीत के वापस आ जाएंगे। जो भी लगे कमेंट जरूर से कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आने दीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, जहां से भी जो कमेंट आनी है, पता ही है कि पाकिस्तान से क्या आ सकता है।